हेलो फ्रेंड्स, कल केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह बिहार के गया जिले में थे। कल उनकी एक जनसभा थी। जैसे ही उनकी यह जनसभा शुरू हुई, सहारा पीड़ितों ने हुड़दंग शुरू कर दिया, हुटिंग शुरू कर दिया और अमित शाह से काफ़ी तेज आवाज़ में सहारा के भुगतान को लेकर सवाल करने लगे। जब स्थिति असहज हो गई और अमित शाह को लगा कि जब तक वो सहारा पर कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक ये जो लोग जनसभा में आए हैं, जो सहारा पीड़ित है, वो शांत नहीं होने वाले हैं, तो उन्होंने एक मिनट का एक लॉलीपॉप थमा दिया। जी हाँ दोस्तों, कल गया के सभा में अमित शाह जी ने क्या कहा, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या अमित शाह का दिया गया यह बयान चुनावी रैली का एक जुमला था या फिर सही में अमित शाह और मोदी जी सहारा पीड़ितों का भुगतान करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कि पहले उन्होंने अपने वीडियो में क्या कहा है। भाइयों और बहनों, अभी कुछ लोग सहारा के पेमेंट की डिमांड कर रहे हैं। सुनो ना भाई, काम की बात बताओ। कुछ लोग बैठ जाओ, मैं समझता हूँ, बैठ जाओ। कुछ लोग सहारा के पेमेंट की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है, वो सारा इन्वेस्टमेंट वापिस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर हैं और कुछ कंपनी के। अभी कोऑपरेटिव का सुन किया है और 10,000 तक ले देना है, जितना पैसा फसला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट के भी शुरुआत होगी। और मोदी जी ने कहा है कि 12,00,000 करोड़ रुपया जो घर में डाला है ना, अभी झारखंड में किसी के घर से। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से चुनावी रैली में जब अमित शाह अपना भाषण शुरू कर रहे हैं तो सहारा पीड़ित लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी ऊंची आवाज़ में अमित शाह से सहारा के भुगतान को लेकर सवाल कर रहे हैं। जब यह स्थिति काफ़ी असहज हो जाती है और अमित शाह को लगता है कि अब वो इस चुनावी रैली में अपनी बात नहीं रख पाएंगे, तो मजबूरी में आप देख सकते हैं उनके हाव भाव, उनकी बातों को, कि मजबूरी में कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल 10,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन यह जो झमेला है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी को लेकर है और जल्द ही मोदी जी, जी हाँ दोस्तों, सहकारिता विभाग नहीं देगा पैसा, मोदी जी देंगे, तो मोदी जी जल्द ही सभी का भुगतान करेंगे। तो एक सवाल अमित शाह से यह बनता है कि पिछले 10 साल से मोदी जी क्या सिर्फ विदेश घूम रहे थे? क्या 10 साल से अमित शाह और मोदी जी को नहीं पता था कि यह जो पैसा वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है? जब आपने सहारा की संपत्ति को जब्त किया, जब आपने सहारा के सभी बैंकों को सीज किया, जब आपने सहारा पर एम्बार्गो लगाया, तब आपको यह नहीं पता था कि यह पैसा आम निवेशकों का है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है? अब जब 10 साल के बाद आपकी पोल पट्टी खुल चुकी है कि आप सहारा के पैसे को हड़पना चाह रहे हैं, तो जब चुनावी आ रहे हैं, चुनाव आया है और जब आपसे सवाल किया जा रहा है, तो आप हो गए या फिर आपके जो अधीनस्थ मंत्री है नित्यानंद राय जी, कल उनका भी बयान आया था और वो भी यही बरगला रहे थे कि सिर्फ 1% लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा, जबकि सच्चाई यह है कि सिर्फ 1% लोगों का ही भुगतान हो रहा है, 99% लोगों का रिजेक्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से आप और आपका विभाग और आपके जो कनीय मंत्री है, वो सब के सब झूठ बोलने का काम कर रहे हैं।
आपने जो आंकड़ा जारी किया था उसी आंकड़े के आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि आपके जो राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, वो साफ के साफ झूठ बोल रहे हैं। आपका विभाग और आपका जो वेबसाइट है वो बोल रहा है कि 99% लोगों के क्लेम को रिजेक्ट किया गया है, और आपके जो मंत्री साहब है वो बोलते हैं कि 99% लोगों के क्लेम को दिया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा चुका है। ऐसे में कल जब आप मजबूरी में आपने गया में कहा कि अभी सिर्फ 10,000 दिया जा रहा है और आने वाले दिनों में सबका पाई पाई लौटाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं यह एक आपका चुनावी जुमला ही लगता है, क्योंकि अगर आपकी नीयत में खोट नहीं होती तो यह काम सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि 9 महीने में 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान करें, तो अगर आपने 9 महीने में 5,000 करोड़ का भुगतान कर दिया रहता तो आज आपको झूठ बोलने की नौबत नहीं आती। आपने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही पालन किया होता तो आज आपको बहाने नहीं बनाने पड़ते, लेकिन आपकी नीयत में ही खोट थी। जो काम सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने में करने को बोला वो अब 1 साल हो गया। जी हाँ दोस्तों, 29 मार्च 2023 का ऑर्डर था और आज अप्रैल 2024 चल रहा है, तो 9 महीने के काम को आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, आप 1 साल के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। जहां 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना था उसमें मात्र आप 300 करोड़ रुपए का भुगतान कर पा रहे हैं, तो आप किस बात पर लोगों से, सहारा पीड़ितों से वोट मांग रहे हैं? आपकी जो कार्यशैली है, आपकी कथनी और करनी में साफ अंतर दिखता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इन चुनावी रैलियों में जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह हो, नित्यानंद राय हो, ये लोग सिर्फ चुनावी जुमला आपको दे रहे हैं, जबकि वास्तविकता और हकीकत कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी ये लोग पालन नहीं करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि 5,000 करोड़ रुपए 9 महीने में भुगतान किया जाए, लेकिन जब 1 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है उसके बाद भी ये लोग सिर्फ 300 करोड़ रुपए का भुगतान कर पाए हैं, और उल्टा नित्यानंद राय जो राज्य मंत्री है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, वो झूठ बोलते हैं कि सिर्फ 1% लोगों का ही रिजेक्ट हुआ है, जबकि सच्चाई जस्ट इससे उल्टा है। तो आपको अब निर्णय लेना है, गया की जनता हो या फिर समस्तीपुर की जनता हो, बिहार की जनता हमेशा से राजनीतिक रूप से सजग रही है, पॉलिटिकली एक्टिवेट रहती है। ऐसे में जब ये लोग अमित शाह और नित्यानंद राय से सवाल कर रहे हैं, तो मैं देश भर के सहारा पीड़ितों से यह निवेदन करता हूं कि जब भी आपके क्षेत्र में कोई बीजेपी का नेता वोट मांगने के लिए आए तो आप उससे सहारा के भुगतान को लेकर जरूर सवाल करें और देखें कि आपको क्या जवाब मिलता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे और ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो सहारा पीड़ितों का भुगतान करने का में सक्षम हो और उसकी नीयत में खोट नहीं हो, उसकी कथनी करनी में अंतर नहीं हो, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करती हो। धन्यवाद दोस्त।